हाई एवरी वन कैसे आप लोग सब आज? वेल इतने दूरों से हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम दो तीन बार डिस्कस कर चुके हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉमिटिंग वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के क्या क्या रीजन होते हैं भी हमने चार महीने पहले ही पढ़ा है इसके पहले भी पढ़ चुके राइट अब आपको मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताने वाली हूं जो कि बहुत कॉमन नहीं है बट आपको शायद अभी तक उसकी रेमेडी नहीं पता है या शायद मैंने आपको कभी इस तरह से अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया तो आज हम कुछ बेसिक चार पांच प्रॉब्लम्स लेंगे सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैक एक यानी कि कमर में दर्द आपको याद हो मैं दो तीन वीडियोज में पहले बता चुकी हूं कि पेट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहां पर आपकी हिप बोन आके जुड़ती है जिसको हम प्यूबिक सिंफाइसिस बोलते हैं वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है क्योंकि वो जो बोन है वो के बीच में जो जॉइंट होता है वो फाइब्रस जॉइंट होता है तो कुछ हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोजिस्ट्रॉन और रिलैक्सिन उनका काम ये होता है कि आपकी बॉडी को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जब डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती है बॉडी तो ये जो हार्मो हैं ये इस बोन को हिलाते हैं इन जॉइंट्स को लूज करते हैं तो जब ये जॉइंट्स ऐसे ऐसे मूव करने शुरू करते हैं तो बीच में थोड़ा बहुत जो मसल्स हैं टेंडन से ये फंसनी शुरू हो जाती है इस वजह से आगे वाली जो हिप बोन है बिल्कुल नीचे की तरफ जो विजयना वाला पार्ट है वहां पर पेन होता है लेकिन बैक एक क्यों होता है कमर में दर्द चार पांच कारण की वजह से होता है एक तो आपका वेट गेन हो रहा है आपको पता है जितने भी हड्डी के डॉक्टर है सब आपको वेट रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे क्योंकि आपका जितना वेट है वो सारा बोन्स ही बेयर कर रही हैं आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है जैसे एक मकान है वो पिलर्स पे खड़ा होता है उसकी नींव उसके पिलर्स होते हैं सिमिलरली आपकी बॉडी की नींव आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके पैर हैं तो अगर पैरों के घुटनों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा वेट की वजह से तो घुटने खराब होंगे इसी तरह से प्रेगनेंसी में जब वेट ज़्यादा बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्पाइन पर आती है क्योंकि आपका पेट ऐसे निकलता जा रहा है आपकी स्पाइन देखिए आप स्पाइन में ऐसे खड़ी हूँ स्पाइन आपकी ऐसे होती चली आ रही तो स्पाइन ऐसे होती जाएगी तो आपको क्या होगा आपको लॉडोसिस हो जाएगा इसको स्पाइन को ऐसे लॉडोसिस हो जाएगा तो पहली बात तो वेट गेन सेकेंड बात होगी ल्यडोसिस थर्ड होते हैं ये हॉमोन्स प्रोजेस्टॉन और रिलैक्सिन ये सिर्फ नीचे वाली बोन पे नहीं काम करते ये सारी बोन्स पे काम करते हैं ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं जिससे इतना बड़ा बच्चा जो मंथ्स का हो चुका है, अंदर आवल है, पानी है, अंदर पानी उसको उसको करने के लिए, जगह देने के लिए आपकी स्पाइन में जगह बनाते हैं तो सारी बोन्स ऐसे 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 मूव करनी शुरू होती है इतनी हाइपर मोबाइल हो जाती है तो दैट कॉजेज पेन क्योंकि बीच में नर्व स्ट्रैप हो जाती है चौथा पॉइंट होता है एंटीरियर यानी कि जब आपकी ब... स्पाइन ऐसे हो गई है तो आपका जो ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा जो ऐसे रहता है वो और ऐसे हो जाता है जो आपकी जो हिप बोन होती है वो नॉर्मली ऐसे रहती है जो मेडिकल स्टूडेंट्स से शायद वो समझ पा रहे हो अगर आप कभी बोन देखेंगे तो बोन का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है हम खड़े सीधे हैं लेकिन बोन थोड़ी आगे की तरफ टिल्टेड है लेकिन जब प्रेगनेंसी में पेट ऐसे निकलता है तो और ज़्यादा आगे टिल्ट हो जाती है तो जब आगे टिल्ट होगी तो बैक पर प्रेशर पड़ेगा और पाँचवा मेन कारण होता है आपका फॉल्टी पोस्चर यानी कि आप अगर ढंग से नहीं बैठ रहे हैं ढंग से नहीं उठ रही हैं मेरे पास जो पेशेंट्स जो बहुत लंबी पेशेंट्स आते हैं है, उनको मैं हमेशा बोलती हूं जिनकी स्पाइन ऑलरेडी काफी लंबी है अगर वो ऐसे झुक के बैठेंगी ज़्यादा टेंडेंसी होती जो है है जो लंबे होते हैं हैं ऐसे झुक के बैठते क्योंकि शायद उनको लगता मैं बहुत लंबी हूं उनको शायद एक साइकोलॉजिकल एक रहता है कि मैं बहुत लंबी दिख रही तो थोड़ी झुक जाती है बाकी लोगों से बात करने के लिए ऐसे झुक जाती हैं तो जब आपको फॉल्टी पोस्चर होगा तो आपका बैक एक ज्यादा होगा अब इसके लिए आपको क्या करना है इसकी रेमेडी है पहले तो करेक्ट पोस्चर रखें एकदम सीधे बैठे राइट वेट गेन का ध्यान रखें। इस इसमें हमारा वीडियो आ चुका है कि कितना वेट गेन प्रेगनेंसी में होना चाहिए आपका बॉडी वेट प्रेगनेंसी से पहले कितना था उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होना चाहिए तीसरी चीज आपका बेड जो है उसको हार्ड बेड ले लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा गद्देदार सॉफ्ट गद्दे में सोएंगी तो क्या होगा आप सो के देखिए कभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट डल्लभ के गद्दे जो अंदर घुस जाते हैं फिर जब आप उठेंगी तो आपको उठ के कूद के उठ, उठना पड़ेगा राइट right? क्योंकि आपका जो बेड है वो आपको वापस ऊपर नहीं फेंक रहा है तो आपको फेंकने के लिए खुद को उठने के लिए आपको कूदना पड़ेगा तो उससे आपको बैक एक होगा तो अपना बेड चेंज करिए देन आप अपनी बैक का मसाज करा सकती हैं आप किसी अच्छी मसाज वाली को जिसको कि पता है प्रेगनेंसी में कैसे बैक पे पॉइंट्स देते हैं वो करवा सकती हैं कुछ ऑयल लगवा सकती हैं कुछ जेल्स लगवा सकती हैं टैबलेट्स ले सकती हैं एनालजेसिक्स यानी कि पेन किलर्स और साथ में आपका जो हिप बोन है उसको हल्का से एलिवेट कर सकते हैं बहुत से लोग अपने पैरों के नीचे तकिया लगा के सोते हैं आप सीधे लेटे हैं और आपके पैरों के नीचे दो तीन तकिए हैं तो आपके जो हिप बोन है हल्की सी फ्लेक्स हो जाएगी आपकी थाइज हल्की सी ऐसे मुड़ जाएंगी पेल्विक बोन पर इससे आपका जो प्रेशर है पीछे बैक पर जो मसल्स पुल हो रही है वो कम हो जाएगा तो बैक एक से बचने का ये तरीका है कुछ लोगों को बैक एक बहुत ज़्यादा होता है तो उनको कभी कभी क्रचेज लेने पड़ते हैं यानी कि जो क्रचेज होते हैं जिससे कि नॉर्मली जिनके पैर खराब होते हैं वो चलते कभी कभी प्रेगनेंसी में उसकी जरूरत पड़ती है तो ये हो गया अबाउट बैक एक फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि अगेन ना बहुत कॉमन है ना बहुत अनकॉमन है तो बीच में है लेग क्रैम्स यानी कि आपके पैरों में आपका जो तलुए हैं आपके तलुओं से ऊपर जो नीचे वाला पैर है घुटने से लेकर तलुए तक का वो उसको पिंडियाँ कहते हैं ना पिंडियाँ दुखती हैं ऐसे इंटरमीडियंट क्लॉडिकेशन होता है ऐसे ऐसे पेन होता है पेशेंट्स मेरे को का बोलती है मुझे कपड़ा बांधना पड़ता है या पैर दबवाने पड़ते हैं इतना दर्द होता है अब इसका कारण क्या है अगेन वेट गेन आपके पैर पे प्रेशर बहुत जाता है सेकेंडली आपकी बॉडी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो रही है क्योंकि वो सारा सारा बच्चे की तरफ जा रहा है तो आपकी डाइट में कैल्शियम मैग्नीशियम बढ़ाना पड़ेगा उसकी कमी की वजह से आपको लेग में क्रैम्प्स होते हैं इसीलिए हम आपको बोलते हैं केला खाओ आपको बोलते हैं संतरा खाओ मौसमी खाओ नारियल का पानी पियो क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत होता है कैल्शियम मैगनीशियम सबकी मात्रा अच्छी होती है साथ ही में कुछ टैबलेट्स भी आ गई मार्केट में जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन बनाती है तो कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी पोटेशियम की कमी वेट गेन देन डिहाइड्रेशन पानी कम पीने की वजह से भी कभी कभी लेग में क्रैम्प्स होते हैं मसल्स को प्रॉपर पानी नहीं मिलता प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता साथ ही में पानी कम पीने की वजह से या टाइम से खाना ना खाने की वजह से आपकी बॉडी में कीटोसिस शुरू हो जाता है यानी कि कीटोन्स जो कीटोन बॉडीज वो डेवलप हो जाती हैं और उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड जब जब बॉडी में बढ़ेगा आप ध्यान रखना अगर आपको कहीं बॉडी में पेन है आपका पेन तब बढ़ेगा जब आप बहुत देर तक कुछ खाएंगी नहीं या फिर बहुत देर तक एक्सरसाइज करेंगी भूखी रहेंगी डिहाइड्रेट करेंगी खुद को आपको वो पेन बढ़ जाएगा क्योंकि उस एरिया में लैक्टिक एसिड शुरू हो जाता है टिश्यूज़ को मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन चाहिए पानी चाहिए अगर आप खाना नहीं देंगी तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पानी नहीं मिलेगा तो अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है वो एसिड लैक्टिक एसिड आपके पैरों में क्रैम्प्स लाएगा आपकी जहाँ जहाँ पेन है उसको बढ़ाएगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी बॉडी में जब फॉस्फोरस बढ़ता है एलिवेशन ऑफ फॉस्फोरस से भी लेग क्रैम्प्स होते हैं तो अब इसकी रेमेडी क्या है पानी अच्छा पिए अच्छे से सोएं लेग के आप मसाज करा सकते हैं हर वो खाना खाएं जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा अच्छी है आप अपनी लेग मसाज जब कराएं तो हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं यानी कि गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं बहुत से लोग सोने से पहले गर्म गर्म पानी से नहाते हैं स्पेशली ठंड में उससे भी आपके लेग क्रैम्स कम होते हैं आप विटामिन बी यानी कि थायमिन जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोलते हैं उसको भी आप ले सकते हैं यानी कि बी वन एंड बी सिक्स इसके कॉम्बिनेशन से भी आपके लेग क्रैम्प्स कम होंगे और एक बहुत ही अच्छी पोजिशन है जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं आप अपने पैरों को ऐसे खोल के पूरा हिप से बैठ जाएँ और दोनों पैर एकदम आगे एक्सटेंड कर लें और अपने पैरों को जो तलुआ है उसको पीछे की तरफ खींचें यानी कि आप अपने फुट को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं तो उसको बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन तो डॉर्सी फ्लेक्शन की वजह से आपके लेग क्रैम्प्स थोड़े कम होते हैं जब जब आपके पैर ऐसे अकड़ जाएंगे ना तो कभी आप ध्यान रखना और तो फटाफट आपके पैर ऐसे सीधा करके आपके फुट को आपके जो तलवा होता है उसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो उससे आपके क्रैम्प्स कम हो जाते हैं तो ये हो गया अबाउट लेग क्रैम्प्स एंड बैक एक लास्ट टॉपिक आज का है एंकल एडीमा यानी कि आपके पैरों में सूजन क्यों आती है अब पैरों में सूजन मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाती है जनरली वो पेशेंट्स कौन होते मोटे होते हैं जो मोटे पेशेंट है आप देखना जो प्रेग्नेंट नहीं है मोटापे की वजह से आपके पैरों में सूजन रहेगी क्योंकि एक तो आपकी बॉडी पे आपके आपके पैरों पे इतना प्रेशर है दूसरी चीज अगर बहुत देर तक खड़े रहते हैं या बहुत देर तक पैर लटका के बैठते हैं तो जो मोटे लोग हैं उनकी फैट की वजह से वैसे वेन्स दबी हुई रहती है तो बहुत ज्यादा अच्छे से ब्लड सप्लाई ऊपर जाती नहीं है तो वहां पर कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है ठीक है तो प्रेगनेंसी में कारण क्या है एक तो वही मोटापा मोटापे की वजह से एंकल एडीमा हो रहा है सेकेंडली प्रोजेस्टोर हार्मोन वो आपके सारी जो ब्लड बेसिस उनको रिलैक्स कर रहा है तो ठीक से पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही और तीसरा मेन कारण क्या है तीसरा मेन कारण है कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी भर रहा है ये मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि फिजियोलॉजिकली भगवान आपकी बॉडी को ऐसी रचना दे चुका है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका ब्लड पतला हो जाता है पानी भर जाता है तो जब डिलीवरी होती है तो जो ब्लड लॉस होता है उसमें पानी ज़्यादा निकलता है अब इस एंकल एडिमा से डरने की जरूरत नहीं है कहाँ कहाँ मिलता है ये मिलेगा आपके पैरों के जो दोनों हड्डियाँ हैं जो एंकल वाली हड्डियाँ उनके आसपास मिलेगा या फिर आपकी जो you पैरों की जो बड़ी जो लंबी वाली हड्डी है घुटने और नीचे आ, पैर से लेकर जो घुटने तक की जो हड्डी है लंबी वाली उसको टिबिया बोलते हैं टिबिया शिन पे मिलेगा दबाने से ऐसे गड्ढा हो जाएगा या फिर कभी कभी पीछे की तरफ ये वाली जो हड्डी होती है सेक्रम इस पर भी मिलता है पर ये जनरली उन लेडीज को मिलता है जो कि लेटी रहती है अब डरने की बात का भी जब आपका बीपी हाई हो रहा है जब ऐसा एडिमा हो रहा है या इतनी सूजन आ रही है कि लेटने के बाद आपने पैर ऊपर कर लिए तकिया लगा लिए उसके बाद भी नहीं जा रहा है या फिर साथ में आपको और प्रॉब्लम होनी है जो कि सजेस्ट करी कि शायद आपको प्री एक् यानी कि पी हो रहा है और ये वाली जो सूजन है जो पी आई एच यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेंशन की सूजन है ये पेट पे मिलती है पैरों में कम मिलती है पैरों के साथ साथ अगर पेट पे भी डीमा आ रहा है यानी कि पेट पे ऐसे मोटे मोटे फफोले जैसे बन रहे हैं लग रहा है पानी भर रहा है उससे डरने की जरूरत है तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में हमने पढ़ा बैकेक क्यों होता है उसकी क्या रेमेडी है हमने पढ़ा लेग क्रैम्स यानी कि पैरों में क्रैम्स क्यों होते हैं और तीसरा इडीमा यानी कि आपको सूजन क्यों होती है उसके लिए क्या करना चाहिए हमेशा पैरों के नीचे तकिया लगा के रखिए जो बहुत देर तक खड़े होकर ऑफिस में बैठ के पैर लटका के काम करते हैं आप अपने सामने स्टूल रख लीजिए और स्टूल के ऊपर अपने पैर रखेंगे तो आपके पैरों का जो सर्कुलेशन है वो बना रहेगा और घर आके आप अच्छे से मसाज करा लें ऑयल लगा लें और पैरों को एलिवेट करके सोएं सो दैट इज ऑल फॉर टुडे डे वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करिए अगर आपको मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन करना है तो वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू मैं आपसे बात कर सकती हूँ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें कॉल ना करें या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर कंसल्टेशन बुक करा दें थैंक यू